फांसी का भी चांस है अगर कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान लिया तो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान लिया तो फिर फांसी। जिस तरह से अगर श्रेया के साथ जो कांड हुआ था, अब उनके जो पिता है, आरोपी के जो पिता है, वो भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। श्रेया हत्याकांड औरंगाबाद के नवी नगर में हुआ था, जो 11 जून को था। आपको हम बता दें कि 11 जून को श्रेया अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, फिर वो वापस नहीं आई थी। वही 13 जून को इंद्रपुरी के बराज में जो है उसकी शव को बरामद किया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस में जो है वो बताया गया था साफ तौर पर कि बॉडी को फेफड़े में पानी जाने की वजह से इस तरह का बॉडी हो गया है। लेकिन उसी के बाद जो है दो दिन के बाद औरंगाबाद के एसडीपीओ ने एक बयान दिया था कि जिस तरह से जो श्रेया को जो बॉडी मिली थी और जिस तरह से बाल नहीं था तो वो मछली खा गई। तो इसी के बारे में जो आरोपी हैं, हम आरोपी का बयान भी हम आपको सुनाए थे देशवा न्यूज पर, और आरोपी का साफ तौर पर कहना है कि मेरा जो दोनों बेटा है वो निर्दोष है। इसलिए निर्दोष है कि जिस दिन ये घटना घटी थी उनके दोनों बेटा बबलू चंदा गेस्ट हाउस के ऊपर थे और पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस जो है वो थर्ड डिग्री का टॉर्चर की थी, उसके बाद जो है जबरदस्ती, पुलिस अगर कहें कि पुलिस जो है जबरदस्ती जो है वो उगलवाया था, तो इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने संलिप्तता अपना स्वीकार भी कर लिया था। इसी को लेकर जो आरोपी जो हैं वो औरंगाबाद जिला जो कोर्ट है वहाँ पर गए थे। वहाँ पर अब ये सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कल जो बेल जो फाइल किए थे वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आरोपी के घर वालों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अब जिला से जो है वो बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है, अब हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो डेहरी ऑनसोन के सीनियर जर्नलिस्ट अतुल कुशवाहा मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, कि जिस तरह से अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि जिला जो कोर्ट में आरोपी के लोग गए हुए थे वहां से बेल रिजेक्ट कर दिया गया, अब उन लोग का कहना है कि हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, इसको किस तरह से देखते हैं, तो क्या लगता है कि हाईकोर्ट से बेल मिल पाएगा उन लोग? जी, सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। देखिए ये जो जिला कोर्ट में जो बेल का एप्लीकेशन दिया गया था, तो ये जो है करीब करीब पक्का था कि जिला कोर्ट इसको रिजेक्ट करेगा, और वो जो पक्ष है जो कि आरोपी पक्ष है वे भी चाहते थे कि जल्द से जल्द जिला कोर्ट बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, कारण कि फिर वे लोग हाई कोर्ट जाएं। और जो है मैं यहाँ पर एक और बात बोलना चाहूँगा कि हाई कोर्ट से भी बेल मिलने का चांसेस बहुत कम है। और जो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले बोला था, एक पॉइंट आपने छोड़ दिया, पोस्टमार्टम के बाद उसमें रेप की पुष्टि नहीं थी, मतलब कहीं से भी रेप की बात नहीं थी। रेप की ये जो कहानी आई है बाद में आई है, और जब तक उसमें रेप की कहानी नहीं थी तब तक जो है ना शक की सुई लड़की के ही परिवार के तरफ थी, मतलब शायद ये कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग का मामला था। पर पुलिस को ये साहस नहीं था कि लड़की पक्ष के लोगों से कुछ पूछताछ करे या फिर उनको अरेस्ट करे। तो पुलिस तो अभी भी जो है लड़की पक्ष के घर वालों से अभी भी पूछताछ नहीं की है। पुलिस में उतना साहस नहीं था, कारण ये था कि बड़े बड़े लोगों का वहाँ पे आना जाना था, दौरा था, और पुलिस की ताकत नहीं थी, या फिर जो भी कहिए कि उस पक्ष को अरेस्ट कर ले। फिर चूंकि देखिए अब क्या है समस्या कि पुलिस को जो है अरेस्ट करना था दूसरे को, तो अभी क्या है अगर आप किसी दूसरे को अरेस्ट करेंगे तो उसमें आपको मोटिव चाहिए। अभी सवाल ये है कि अगर आपने जो मतलब दो आरोपी हैं, अगर आप उन लोगों को ना अरेस्ट कर लिया और पुलिस केवल बोले ये कि इन लोगों ने श्रेया का मर्डर किया है, जाहिर है कि सवाल आएगा कि मोटिव क्या था, तब इसमें जो है ना रेप की कहानी जोड़ी गई है, क्योंकि जो
लड़के के पिता का कहना है कि पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं थी कहीं भी। SDPO भी तो बयान दिए थे ना कि इसमें रेप नहीं हुआ है, जो शुरुआती में जो बयान दिए थे। लेकिन जब बबलू चंदा गेस्ट हाउस के जो सगे भाई को पुलिस गिरफ्तार करती है, तो अब जो SP साहिबा है वहाँ के, तो वो पीसी के दौरान कहती है कि श्रेया के साथ पहले बलात्कार किया गया है, ठीक है, उसी गेस्ट हाउस में, और गला दबाकर हत्या भी कर दिया गया है, ठीक है। तो आखिर SDPO साहब ये बयान क्यों नहीं दिए, PC क्यों नहीं किए, उपज पोस्टमार्टम हाउस में भी इसमें रेप का कहानी नहीं निकल के रहा है। तो ये पहले तो SP ने जो PC किया था, वास्तव में वो PC ने नहीं था, उन्होंने जस्ट एक 3.5 मिनट का बयान दिया और न भाग गई। पत्रकार को भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पाई, काउंटर क्वेश्चन करने का उन्होंने चांस नहीं दिया। तो मतलब यहाँ पर यही है। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस पर भारी दबाव था कि आप जल्द से जल्द आरोपी को पकड़िए, अल्टीमेटम दिया जा रहा था, और पुलिस जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी। पर अब जब न पुलिस ने देखा कि जो है अब जो है कि किसी भी क्लू तक पहुंचना शायद मुश्किल है, तब जो है पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया। और हाँ, एक मैं बात और वो बोलना चाहूँगा कि जब श्रेया का जो प्रेमी है, कथित प्रेमी कहिए कि क्योंकि मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति पर लांछन लगाना सही नहीं है, तो जब वो पहले दिन से पुलिस कुछ के पास लोग वहाँ के ये भी बता रहे हैं कि रोहित जो प्रेमी की बात कर रहे हैं आप, तो रोहित के यहाँ से 45 पन्ने का लव लेटर भी पकड़ाया था। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो वो लव लेटर आखिर पुलिस क्यों नहीं भाई बोली उस वक्त जब PC कर रही थी SP साहिबा, तो लव लेटर के तो जिक्र नहीं की। और सबसे बड़ी एक सवाल और हम आपसे पूछेंगे कि श्रेया के जिस तरह से नाखून नहीं थी, जिस तरह से बाल पूरा छीला हुआ था, जैसे हम लोग को जैसे नहीं होता है कि कोई डेट कर जाता है तो हम लोग मुंडन कहते हैं या दसवां कहते हैं, उस तरह से जो है बाल छिला हुआ था, लेकिन पुलिस जो है अभी तक भी गुत्थी नहीं सुलझा पाई है इस मामले में, और नहीं अभी तक कोई पुलिस का कोई बयान आया हुआ है कि आखिर श्रेया का बाल कहाँ गया। पहली तो बात है ये कि जब लड़की का जो प्रेमी है पहले दिन से ही, पहले या फिर दूसरे दिन से ही मैंने पुलिस के गिरफ्त में था, तो जो है इन दोनों भाइयों के पास पहुंचने में पुलिस को लगभग 15-16 दिन लगे, ये भी एक सवाल है। फिर लड़के को कौन कौन नाम है, आप एक बार नाम बोल दें, धर्मेंद्र है और एक और एक धर्मेंद्र और एक राकेश है, जो बबलू चंदा गेस्ट हाउस के दोनों सगे भाई हैं और संचालक भी हैं वहाँ। जी जी। तो जब पुलिस जब धर्मेंद्र और राकेश को पकड़ने के लिए गई, तो पुलिस ने कहा कि आप अपने दोनों बच्चों को, लड़के के ना बाप से कहा कि आप अपनी गाड़ी से ही थाना भेजिए। फिर क्या था, पुलिस ने वो भी गाड़ी रख ली, दो दिन तक पुलिस के द्वारा रखा गया, और फिर वो बोला गया लड़के के ना पिता से कि इसी गाड़ी से बॉडी को डिस्पोज के किया गया है। फिर जब वे बोले कि हम फलाने फलाने तारीख को यहाँ पर नहीं थे, तब जो है ना गए हुए थे हम लोग, अयोध्या गए हुए। और हाँ, ये भी वो बोले कि मैंने जो है ना जगह जगह इसमें टोल टैक्स दे दिया हुआ है। फिर ना पुलिस ने देखा कि अब तो अगर इस गाड़ी का अगर हम अगर चालान करेंगे या हम अगर इस गाड़ी को पकड़ते हैं, तब जो है कोर्ट में इसको साबित करना शायद मुश्किल हो। तब जो है पुलिस ने उस गाड़ी को छोड़ दिया। मैं थोड़ा यहाँ पर बोलूँगा कि जो धर्मेंद्र और जो राकेश के जो पापा हैं, पिता हैं, थोड़े जो है ना सीधे हैं, पुलिस को वे ना समझ नहीं पाए। उनको ये चीज़ बोलने का ज़रूरत नहीं था कि हम उस समय यहाँ पर नहीं थे, लेकिन वे समझ गए कि अगर बोल दूंगा तो पुलिस हमको छोड़ देगी बच्चों को। तो पुलिस तो ये भी कर रही है ना कि पुलिस को देख कर धर्मेंद्र और राकेश जो है वो भाग रहा था, पुलिस दौड़ाई उसके बाद वो पकड़ी। तो क्या लगता है कि इसमें क्या पुलिस अपने जो बात रख रही है वो सही है पुलिस कड़ाई? देखिए, ये जो है ना कहानी है, सिर्फ पत्रकारिता में एक ना कहावत है, नेवर बिलीव द पुलिस। पुलिस जो कहानी बनाए, हम पत्रकारों को उस पे सीधे विश्वास नहीं करना है।
ठीक है, अगर पुलिस अगर सही भी है तो हम ये जो है मानते हैं कि शायद गलत है, उसकी हम ना पड़ताल करेंगे। और तो यहाँ पर तो पुलिस के जांच में ढेरों छेद हैं, मतलब पूरी पूरी जांच ही गलत है। अगर सिरिया का बाल कहाँ गया, पुलिस अभी तक क्यों नहीं खुलासा कर पा रही है क्या कि सिरिया का बाल और नाखून कहाँ गया? ये तो देखिए बढ़िया सवाल है, अब ये तो पुलिस ही जाने। और अगर बाल और नाखून अगर नहीं था तब जो है FIR में या फिर कहीं भी जांच में इस बात का शायद जिक्र नहीं है कि जो है श्रेया के बाल और नाखून नहीं है, जबकि इसका जिक्र करना चाहिए था। मतलब जिसने भी मारा है पहले जो है उसके बाल का काटे हैं, एसिड डाले हैं शायद, और भी बहुत चीज था उसमें, लेकिन उसमें रेप ना नहीं था कहीं। रेप की जो है ना कहानी लाए हैं ये ताकि जो अरेस्ट करना था दूसरे को, अगर बिना रेप के अगर रहेगा तो ये पूरी तरह से प्रॉपर्टी का ही डिस्प्यूट माना जाता, पर चूंकि आपने रेप की ना कहानी डाल दी तो मारने का जो है मोटिव था रेप। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो श्रेया के साथ जो घटना घटा तो अभी भी अपराधी वो फरार हैं? देखिए अपराधी तो दूसरा है और वो भी वही है, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली उन लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। देखिए ये बहुत बड़ी सवाल है, इनका साफ तौर पर कह रहा है कि पुलिस जो है अभी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाया है और अपराधी वहीं पर है लेकिन वो अभी पुलिस के गिरफ्त से वो बाहर है। एक और बात मैं ये यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि अगर खास करके बलात्कार के केस में, छेड़खानी के केस में, महिला वाले मामले में अगर के किसी भी पुरुष को आपने अगर आरोपी बना करके अगर चालान कर दिया तो समझिए कि उसके बचने के ना चांसेस नहीं है। और इस मामले में भी पुलिस ने जो कहानी बनाई है जिला कोर्ट उसको सही मान लेगा। तो जिस तरह से हम कहें कि आरोपी के जो घर वाले हैं वो जिला कोर्ट में वो फाइल किए थे बेल के लिए, ठीक है, तो कल की बात करें तो कुछ सूत्र से हवाले से हमारे पास वो भी सूचना आ जाई है कि वहां पे बेल को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन अब आरोपी के लोग वो हाई कोर्ट की दरवाजा को ठकठकाएंगे। तो क्या लगता है कि इस मामले में जो बबलू चंदा गेस्ट हाउस के जो दोनों सगे भाई है धर्मेंद्र और राकेश, तो क्या हाई कोर्ट में उनको बेल मिल सकता है? क्योंकि आपको क्या लगता है इसमें? सबसे पहले तो अभी उनके केस का लिस्टिंग होने में 5 से 6 महीने लगेंगे, मतलब 6 महीने आगे की तारीख मिलेगी। 6 महीने बाद जब ये ना मामला जाएगा कोर्ट में, जज का आप ना मान के चलिए कि ना जिला कोर्ट से ये लोगों को उम्र कैद या फिर फांसी का भी चांस है अगर कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान लिया तो फिर फांसी। जी यही बात है। लेकिन देखिए कि जिस तरह से अगर श्रेया के साथ जो कांड हुआ था, अब उनके जो पिता हैं आरोपी के जो पिता हैं वो भी कह रहे हैं कि CBI जांच होना चाहिए, ठीक है, ठीक। और जो श्रेया के जो पिताजी हैं अभय कुमार और उनकी जो माँ है, जो कि श्रेया की जो माँ है वो सही में, अब चूंकि जिस तरह से जो घटना घटा उस वक्त तो पता नहीं चल पाया मीडिया को भी, लेकिन अब पता चल रहा है कि श्रेया की जो माँ है वो सौतेली माँ थी, ठीक है, ठीक। लेकिन अब वो भी CBI जांच की मांग कर रही है, आरोपी की तरफ से भी CBI जांच की मांग किया जा रहा है। लेकिन हम जो है वो देशवानेस की पूरी टीम जो वहाँ पर गई थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी वहाँ पर, और उनके गांव जो आरोपी के जो गांव है, ठीक है, आरोपी के गांव में भी जाकर हम लोग पूछताछ किए थे, तो वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि धर्मेंद्र और राकेश जो है इस तरह के लोग नहीं थे। तो क्या लगता है कि CBI दोनों तरफ से CBI जांच की मांग किया जा रहा है, तो क्या कोर्ट द्वारा उनको CBI जांच का आदेश दिया जा सकता है या नहीं इस मामले में? देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो लड़की पक्ष जो कि श्रेया के जो घर वाले CBI जांच के लिए बोल रहे हैं ना, वो बस दिखावा करने के लिए बोल रहे हैं, बस वे ना चाहते हैं कि बस मैं दिखाऊं ये कि भाई हमने जो है, मतलब हम भी चाहते हैं ना CBI जांच। वास्तव में उनको CBI जांच की जरूरत क्या है? वे तो धर्मेंद्र और राकेश को तो दोषी मान ही रहे हैं। CBI जांच की तो जरूरत है धर्मेंद्र राकेश को, उनको जरूरत नहीं है। और वास्तव में इसकी CBI जांच होनी चाहिए, जितना देर करेंगे फिर CBI जांच में भी कुछ भी सामने नहीं आएगा।
अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कड़वा सवाल हम आपसे पूछेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी वहाँ पे किए थे, तो कुछ लोग ये कहना ये साफ तौर पर है कि श्रेया की जो माँ थी वो सौतेली माँ थी, तो क्या लगता है कि सौतेली माँ ही ये सब कराई है? जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई जाँच हो जाएगा तो दूध के दूध पानी हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि सौतेली माँ इस तरह से जो है वारदात को अंजाम दे सकती है? देखिए, क्योंकि उस घर में नहीं श्रेया के पिताजी थे, नहीं चाचा थे, समझे घर में कोई जेंट्स नहीं थे, उस वक्त ये उन लोग बेलोर गए हुए थे अपने पिताजी को इलाज कराने के लिए, उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, आप जो बोले सौतेली माँ का, सौतेली माँ के तो सैकड़ों कहानियाँ हैं जो कि ना हम लोगों ने देखे हैं, तो मतलब चांसेस तो हैं, लेकिन लेकिन क्या है कि अभी मैं कोई अगर राय बना लूँ, सही नहीं है वो कि अभी राय बना लूँ, लेकिन हाँ, शक की सुई वहाँ पर पुलिस की रहनी चाहिए थी, जबकि पुलिस ने पूरी तरह से उन लोगों को क्लीन चिट दे दिया, जबकि पुलिस को उस बिंदु पर भी जांच करना चाहिए था कि आखिर सब लोग बाहर थे तो ये घटना कैसे हुई, और जो श्रेया की जो सौतेली माँ थी किसके किसके कॉन्टेक्ट में थी, इसकी भी जांच करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस में उतना साहस नहीं था, साहस की कमी कहिए, बड़े बड़े नेता लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे, पुलिस की जो है हिम्मत नहीं हुई पहुँचने की वहाँ। अभी भी लगता है कि जो जिस तरह से श्रेया को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, पुलिस जो है गुत्थी नहीं सुलझा। देखिए, आप जो ये जो बात जो आप जो बोल रहे हैं कि न श्रेया को न्याय मिलना चाहिए, मरने वाली तो मर गई, दुखद है वो, लेकिन जो पांच जो है ना जीवित लोगों को जो कि मेरे समझ से बिल्कुल ही दोषी नहीं है, उन लोगों पर अन्याय करना, मैं समझता हूं कि श्रेया को न्याय मिले चाहे ना मत मिले, लेकिन आप उन लोगों पर, निर्दोष लोगों पर अन्याय मत करिए, न्याय देना सेकेंडरी है पर अन्याय देना बहुत गलत है, अन्याय करना। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अतुल कुशवाहा जी, और आपको हम बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस तरह से जो है जो आरोपी के जो पिता थे, जो धर्मेंद्र और राकेश के जो पिता थे, उन्होंने जिला कोर्ट में बेल के लिए फाइल किया था, लेकिन फाइल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें श्रेया हत्याकांड मामले में, अब आरोपी के जो पिता हैं, जो भाई हैं, जो आरोपी के जो पत्नी हैं, उन लोग के ऊपर जो है दुख का बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है, अब उन लोग जो है पटना के हाई कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पल पल का अपडेट देखते रहिए देशवा न्यूज़ पर। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।